डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज, तहसील व जनपद सदर, थाना धूमनगंज, ट्रांसपोर्ट चौकी गैसुद्दीनपुर। इस दीवार को कहा नहीं उठाना, मैंने पूरा नहीं उठाया। उस दिन आए थे फिर थाने जाइए। हम थाने चल रहे हैं, जाओ तुम भी जाओ। चलो थाने चल रहे हैं, लेकिन काम नहीं चलेगा, ये तक काम नहीं होगा अभी। हाँ बता दो, ये काम ना करेंगे, बता दो काम नहीं होगा ये जब तक इसका विवाद हल नहीं होगा। मैं सैनिक हूँ, मैं छुट्टी आया था अपना मकान बनवाने के लिए। मेरे बच्चे किराए के मकान में रह रहे हैं। मेरा पुराना मकान था, उसको तोड़वा के मैं मकान बनवा रहा था, तो विपक्षी वो उसका इधर कुछ नहीं, उसके बहन का मकान है, वो अपनी बहन के पक्ष लेके वो दरोगा है, तो वो मुझे और मेरे लेबरों को गाली गलौज और धमकियाँ दी गई, बोला तेरे घर नहीं बनने देंगे तू, और मेरे को रास्ता रोका जा रहा है। और मैं थाने गया तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। थाने वालों ने पुलिस का पक्ष लेके और थाना अध्यक्ष वैभव सिंह और चौकी इंचार्ज राजकुमार यादव, राम कुमार पांडे, ये सब मिलके मेरा काम बंद करवा दिए। मेरे को बोला गया अगर तुम काम करवाओगे तो उन्हें जेल भेज देंगे, और मेरी कोई सुनवाई नहीं की। मेरा काम बंद करवा दिए और मेरे को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी, अभी ये आपने जो छोटी सी एक क्लिप देखी है, ये हमारी भारतीय सेना के जवान हैं जिनकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख के अंदर है, और ये बखूबी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अपनी देश की जमीन की रक्षा करने के लिए, ये सब कुछ अपनी जान माल नुछावर करने के लिए वहां दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। एक फौजी भी इंसान होता है, उसकी कुछ जिम्मेवारी होती है, उसका भी परिवार होता है, और इसलिए ये छुट्टी लेकर इनके मकान की, पुराने मकान की जो हालत थोड़ी खराब थी उसको तोड़कर नए सिरे से बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जब इन्होंने अपना पुराना मकान तोड़ दिया और अब इनके बच्चे किराए के मकान में रह रहे हैं, सामान वगैरह सब कुछ इन्होंने गिरा दिया कि भाई मैं नया मकान बनाऊंगा, रोड इनके घर के दोनों साइड जो सड़क जा रही है तो ये अपना मकान के दोनों तरफ दरवाजे खोल रहे हैं, तो दूसरी साइड में एक पुलिस के दरोगा जी जिनकी सिस्टर वहां, उनका भी मकान है, तो दरोगा जी को उनकी बहन ने बता दिया होगा कि जी इनका इधर मकान का रास्ता नहीं खोलना चाहिए बल्कि वो सड़क है, तो दरोगा जी ने वहां आकर और इसका काम रुकवा दिया कि इधर दरवाजा करेगा तो काम नहीं होने दूंगा। उसके बाद ये थाने में गए हैं तो दरोगा जी इनके पीछे पीछे गए और वहां दरोगा जी ने जो बोला भाई उनकी पुलिस ने सुना, क्योंकि वो उनका स्टाफ है और ये तो एक फौजी है, इनकी सुनेंगे क्यों, और बल्कि इनको धमकी दी है कि ज्यादा करेगा और काम करेगा तो तेरे को जेल में डाल देंगे, तेरी ड्यूटी उसमें बाढ़ में गई और कोई नहीं बचाएगा, पड़ा रहेगा, सड़ेगा जेल में। यानी ये हमारे देश के सैनिक की रिस्पेक्ट है, और इसका कारण मैं कई बार कह चुका हूं, आगे इनका मैं वीडियो दिखाऊंगा जिसमें पूरा विवरण खुद बता रहे हैं। दरोगा जी जो इनको धमकी दे रहे हैं वो भी मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा, जो साफ साफ बोल रहे हैं कि काम नहीं करने देंगे वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन ये कमी किसकी है, देश का सैनिक वहां सब कुछ नौछावर करने के लिए तैयार है, तो क्या वो अपने परिवार के लिए सब कुछ और कुछ नहीं कर सकता, उसकी भी जिम्मेवारियां हैं, नहीं तो वो पुलिस वालों को जवाब भी दे सकता है, लेकिन उसकी मजबूरी है, वो रिक्वेस्ट करता घूम रहा है। आज एक महीने की छुट्टी में इनकी 4 या 5 दिन की छुट्टी बनी है, 29 को इनको वापस जाना है, लेकिन पिछले कई दिनों से चक्कर काट कर अब ये हार थक कर मेरे को फोन कर रहे कि सर आप कुछ करो, तो मैं तो यही कर सकता हूं कि ऐसे घरेलू मुद्दों को हाईलाइट कर सकता हूं। अब आपके हाथ में है कि आप इस वीडियो को देखकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ट्विटर पर या जितनी भी पर्सनल है, यूपी के DGP, वहां के प्रयागराज के SP, सबको ये वीडियो भेजो और आप भी फोन करो कि आखिर क्या कारण है कि एक फौजी को मकान बनाने से रोक रहा है एक यूपी पुलिस का दरोगा। तो जिम्मेवारी अकेले रविंदर की नहीं है, रविंदर इन चीजों को हाईलाइट कर सकता है, रविंदर जो लड़ाई लड़ रहा है बड़ी, मैं चाहता हूं कि हमारी जो सहायक पड़ता है सेना में वो खत्म हो,
जो आपसे दिन रात बूट पुलिस कुत्ता घुमाना या अंग्रेजों के काले कानून खत्म हो सेना में, मैं उस लड़ाई के लिए अभी ये चुनाव का जो फेस चल रहा था, आपको सबको बताया कि हमारे कुछ साथी इस बार लोकसभा 2024 में हमने चुनाव में उतारे थे, मैं खुद सीकर से लड़ा था और बाकी साथी भी लड़ रहे हैं। अभी छठे चरण का चुनाव का चरण पूरा हो चुका है, सिर्फ एक लास्ट अंतिम चरण बचा हुआ है जिसमें हमारे कुछ साथी और लड़ रहे हैं। तो हम उस चीज में लगे हुए हैं कि हम अपनी संख्या दिखाकर मोदी जी तक, वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ कोई सैनिक नहीं है, तुम तो अकेले हार्डवर्क करते हो, हमने अग्निवीर की लड़ाई लड़ी तब भी बोलते हैं कि तुम्हारे सारे सैनिक खुश हैं। तो हम वो संख्या गिनाना चाहते हैं, बात जीत हार की नहीं है, उस संख्या के लिए हमने ये चुनाव लड़ा और बाकी साथियों को भी लड़ा रहे कि हम पूरे देश में सैनिकों की आवाज, जवान किसान उनकी आवाज, या अग्निवीर के खिलाफ चाहिए, सहायक प्रथा के खिलाफ, MSP ओआरओपी के खिलाफ जो हमारे में भेदभाव है, उन सबको दर्शाने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमने पूरी ताकत वहां झोंकी हुई है। लेकिन बीच में इस तरह के मुद्दे आ रखे हैं और भी बहुत से ऐसे वीडियो मेरे पास आ रखे हैं, उन सबसे मैं कहना चाहता हूं कि 1 तारीख को अंतिम चरण का चुनाव हो जाएगा, 4 को रिजल्ट आ जाएगा। इस दौरान बहुत से वीडियो आए हमारे दिमाग से निकल चुके और वो इमरजेंसी में नहीं थे इसलिए उनको पेंडिंग में डाला हुआ है। तो आपका फर्ज बनता है कि 4 तारीख को रिजल्ट के बाद 5 तारीख से पुनः जिसका भी कोई वीडियो है, जिसका भी ऐसा विवाद है, वो मेरे पास दोबारा भेजे, क्योंकि मेरे दिमाग से वो चीजें निकल चुकी हैं। ये द्विवेदी जी ने मेरे को लगातार कॉल किया और वीडियो भी भेजे कि सर मैं 29 को चला जाऊंगा, इसलिए मेरा मैटर डालो आज ही, इसलिए आज मैं इनका मैटर डाल रहा हूं। लेकिन रविंद्र फौजी अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप ये जुड़े हुए हो, जब तक आप हमारी खुद मदद नहीं करते, वीडियो शेयर नहीं करते, चैनल से लोगों को नहीं जोड़ सकते, आप कुछ नहीं करते और फिर रविंद्र सर हमारा फोन नहीं उठाते, तो रविंद्र सर किस किस का फोन उठाए, किस किस की लड़ाई लड़े, आप लोग भी तो कुछ उसमें भागीदार बनो ना। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं फिर कह रहा हूं कि हम किसी उन कामों में लगे हुए हैं, अभी आपके हाथ में है कि इस वीडियो को कितना वायरल करते हो और इस जवान की मदद करते हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाकी अंतिम चरण के चुनाव में हम अपनी ताकत झोंक रहे हैं और मेरी जो छोटे मोटे वीडियो मैं से भी नहीं डालता, इंपोर्टेंट वीडियो डालता हूं, किसी का इंपोर्टेंट हो तो मेरे पास भेज सकते हैं, सबके पास मेरा नंबर है। और 4 तारीख के बाद फिर मैं आपके लिए 5 साल के लिए, आप ही के लिए, इन्हीं चीजों के लिए लड़ेंगे, लेकिन उसमें आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं सैनिक हूँ, मैं छुट्टी आया था अपना मकान बनवाने के लिए, मेरे बच्चे किराए के मकान में रह रहे हैं, मेरा पुराना मकान था उसको तोड़वा के मैं मकान बनवा रहा था, तो विपक्षी वो उसका इधर कुछ नहीं, उसके बहन का मकान है, वो अपनी बहन के पक्ष लेके वो दरोगा है, तो वो मुझे और मेरे लेबरों को गाली गलौज और धमकियाँ दी गई, बोला तेरे घर नहीं बनने देंगे तू, और मेरे को रास्ता रोका जा रहा है, और मैं थाने गया तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, थाने वालों ने पुलिस का पक्ष लेके और थाना अध्यक्ष वैभव सिंह और चौकी इंचार्ज राजकुमार यादव, राम कुमार पांडे, ये सब मिलके मेरा काम बंद करवा दिए। मेरे को बोला गया अगर तुम काम करवाओगे तो उन्हें जेल भेज देंगे, और मेरी कोई सुनवाई नहीं की, मेरा काम बंद करवा दिए और मेरे को गाली गलौज किया गया, और मैं मेरे लेबरों को गाली गलौज किया गया, बोला तुम घर नहीं बनवा पाओगे, ना बनने देंगे। तो इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है मुझे न्याय दिलाया जाए, मेरी कोई सुनवाई कहीं नहीं हुई। मैं गया और मेरा 20 फीट का रास्ता है, मुझे रोका जा रहा है कि इधर से तुम नहीं न तुम्हें दरवा निकलने देंगे न इधर से जाओगे, और मेरे रास्ते में दीवार खड़ी कर रहे हैं, बोला तुम्हें इधर नहीं निकलने देंगे। ये सब पुलिस थाना के और चौकी के और दरोगा, वो जो विपक्ष पार्टी दरोगा, ये सब मिलके मेरा रास्ता रोक रहे हैं, मेरा काम घर का बंद करवा दे, मेरा मटेरियल ख़राब हो रहा है, मुझे धमकियां दी जा रही हैं, इसलिए मेरे को न्याय दिलाएं, मेरा घर
बनवाने में मदद किया जाए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरा कोई मदद न करे। जय हिंद।